दुनिया में कहीं पे भी किसी भी लड़की को अगर कोई लड़का अनकंफर्टेबल फील कराता है, नो क्वेश्चंस आस्क, दैट इज रॉन्ग। फिर तो आप ये बात कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो वो हॉट कपड़े पहन के जा रही है तो लड़का उसको छेड़ दे। अगर आप किसी को स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप उनको चाहते हो कि उनकी परफेक्ट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों एक दूसरे से शो में मिले वो कितना जानते हैं दूसरे के बारे में, ऑब्वियसली देयर इज गोना बी इनसिक्योरिटी, ऑब्वियसली देयर इज गोना बी प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल। ओके सो हाय शार्दुल, आई एम आरती एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर। Thank you so much, Aarti. How are you? I'm good too, yeah. Okay, Shardul, you know, coming back to the Big Boss, and actually, I have to push now because you have been part of the show. Shardul, you were quite amazing in the Big Boss. Even you were a wildcard entry, but it was a pleasure watching you because, you know, jitna bhi time apne Big Boss mein bitaya, wo bahut amazing tha. And now, you know, aap bhi show ko follow kar rahe honge. Is season mein, there were a lot of, you know, big faces of industry. So, but still again, you know, the TRPs are not that high and the show is about to go off air. You know, kya lagta hai as a viewer when you watch the show, kya kami reh gayi hai? Because you were part of the show as well. Kya lagta hai ki kahan pe lack kar rahi? Is it from the contestant side or is it something else? Bahut clear hai. ये मैंने जब मैं एविक्ट होने वाला था उसके पहले भी बोला था, फारा खान जब आई थी, आई सेड बिग बॉस को स्प्लिट्सविला बना दिया गया है एंड वही रीजन है उसके फ्लॉप होने का। फ्लॉप तो नहीं कहूंगा बट इतना हिट नहीं हुआ है जितना पहले होते थे। उसका सिंपल रीजन है कि एक रियलिटी शो, मुझसे जब इस सवाल पे बहुत सारे लोग अपसेट भी हो गए थे कि आप हर साल कपल्स को नहीं भेज सकते हैं, आप हर साल जबरदस्ती का रोमांस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अब कंटेस्टेंट्स भी सोच के जाते हैं कि अच्छा मैं अंदर जाऊंगा मैं लड़की से अफेयर करूंगा। जब मैं अंदर गया था तो लोगों ने बहुत मुझे कहा कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि मैं एक लड़की को पकड़ के नहीं बैठ गया था। आई वॉज हैविंग फन, क्या जरूरत पड़ी कि राखी सावंत को फिर से एंटर कराया गया, वरना आपके पास तो ऑलरेडी तीन तीन कपल्स ऑलरेडी थे घर में, क्या जरूरत पड़ी कि पुराने कंटेस्टेंट्स को लाया गया। आई थिंक एंटरटेनमेंट चेंज हो रहा है लेकिन ये बहुत सारे लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। अब जब जनता एक यू नो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही है या फिर यू नो वेब सीरीज पे जो कंटेंट आ रहा है वो देख रही है, नाउ दे आर वाचिंग शोज जो इंटरनेशनली बनते थे जहां डेटिंग के शोज हैं वो देख रहे हैं। अब आप एक शो में अगर 70 चीजें डालने की कोशिश करोगे तो वो नहीं वर्क करेगा। सेकेंडली इट नीड्स टू बी रियल, यू नो पहले बिग बॉस इसलिए चलता था क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का शो था। जब हमने पहले सीजन देखे शिल्पा शिंदे ने किसी के साथ रोमांस नहीं किया था, पर शिल्पा शिंदे एंटरटेनिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। विकास गुप्ता ने किसी के साथ रोमांस नहीं किया था बट वो बहुत बड़े स्टार थे। हिना खान का कोई लव एंगल नहीं था घर के अंदर पर वो बहुत बड़े थे। आसिम बिल्कुल अलग कंटेस्टेंट था जब वो आया था इसीलिए वो बड़ा। अब क्या हो रहा है हर साल ऐसे अब चुना जाता है कि अच्छा ये इस सीजन का सिद्धार्थ होगा, ये सीजन की शहनाज होगी, ये सीजन का आसिम होगा, वहां प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट रिक्रिएट इट, यू नो, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। बिकॉज देखिए जब कंटेस्टेंट्स फेक रोमांस करते हैं तो समझ में आ जाता है, जब कंटेस्टेंट्स फेक लड़ाइयां करते हैं तो समझ में आ जाता है, जब कंटेस्टेंट्स बाहर इतनी सारी बातचीत करके अंदर गए हैं तो भी समझ में आ जाता है। बिकॉज इन टूडेज टाइम्स नथिंग इज हिडन, कहीं ना कहीं ट्विटर यूट्यूब कहीं ना कहीं सब आ जाता है कि कौन किसको पहले से जानता है। पहले बात ही नहीं करते थे हम एक दूसरे से कंटेस्टेंट, सो दैट वॉज अ फ्रेश थिंग। ऑल्सो आई थिंक वन मोर थिंग दैट हैज हैपेंड इज बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस एक ही साथ आया विदाउट एनी ब्रेक, ऑडियंस को ब्रेक नहीं मिला। यू नो फॉर एन एग्जाम्पल सलमान खान की मूवी का मैं इंतजार कर रहा हूँ और वो मुझे जब तक इंतजार रहता है तब तक मजा आता है, लेकिन अगर सलमान खान की मूवी हर हफ्ते आने लग जाए तो उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। इस साल बिग बॉस पूरे 12 महीने चला है, मतलब मैंने शमिता शेट्टी प्रतीक और निशांत को आई थिंक मेरे टेलीविजन स्क्रीन पे 12 महीने देख लिया है। दैट्स टू मच एंड दैट्स द रीजन आई थिंक, मुझे लगता है मुझे शायद किसी चैनल में क्रिएटिव बन जाना चाहिए, मेरा दिमाग काफी चल रहा है आजकल। Yeah, true. Okay. What do you think? Because there are, rumors as well. There are news that are, you know, in the airs. We can say that जैसे ही ये Big Boss खत्म हो जाएगा, there are chances of Big Boss OTT again. I think it's confirmed. I think मैंने भी पढ़ा है। Yeah. So do you think it is going to be work or actually people do really need a break of some time for Big Boss?
I would say yes, they need a break because मैं चाहूँगा मतलब मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ पर मैं 12 महीने बिग बॉस नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, मैं रोज दाल चावल नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता. So I think yes, a break will be great, but मेरे हाथ में नहीं है, ना तो मेरा कॉल है वो, ना तो मेरा डिसीजन है, ना मुझे इससे फायदा है, ना मुझे इससे नुकसान है. So I think this question is more relevant for the people who are part of it. Okay, Shardul, you know, as you talked about the romance in the Bigg Boss house, एक जोड़ी है जो you know social media पे भी बहुत ज़्यादा hit है, which is definitely Tejasvi and Karan. क्या कहना चाहोगे उनके रिलेशनशिप के बारे में? Because there was a love जो दिख रहा था बहुत टाइम से, अब उनके रिश्ते थोड़े बिगड़ रहे हैं, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज आ रही है करण को तेजस्वी को लेकर. Sometimes even तेजस्वी feel insecure with Shamta or any of the other contestants when it comes to her. You know, क्या लगता है इनके रिलेशनशिप के बारे में? And do you really feel कि जहाँ पे there's love, there's any space of insecurities coming into the relationship? Of course होती है यार, ये हम लोग ना इतने ज़्यादा judgmental हो जाते हैं when we watch a reality show and we start judging the people. But look, आपके मम्मी पापा झगड़ा नहीं करते, आपके मम्मी पापा में problems नहीं होते, आपके relatives में problems नहीं होते हैं. This is अगर आप किसी को screen पे देख रहे हो तो आप उनको चाहते हो कि उनकी perfect relationship हो ही नहीं सकता है ना. It is not possible. तो दोनों एक दूसरे से शो में मिले, वो कितना जानते हैं दूसरे के बारे में. Obviously there's going to be insecurity. Obviously there's going to be problem. And I think that's very normal. अगर आपने रिसेंटली एपिसोड्स फॉलो किया शार्दुल, बिकॉज यू नो देयर वाज वन इंसिडेंट जो अभिजीत को लेकर हो गया था एंड उन्होंने देवलीना से यू नो किस मांगी थी, विच वाज एक्चुअली और उस टाइम पे रश्मि ने भी ये कह दिया था कि यू नो अगर आप इतना फ्रीडम दे रहे हो किसी को तो कोई भी ये बात करेगा देवलीना को लेकर. इस बात पे काम्या ने भी रश्मि को स्लैप किया है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट एंड यू नो डू यू एग्री विद रश्मि स्टेटमेंट? आई टेल यू व्हाट, मैं इस प्रॉब्लम को ना ही रश्मि, ना ही अभिजीत, ना ही देवोलीना के नाम से एड्रेस करना चाहूंगा. मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया. मैं सीरियसली ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी लड़की को अगर कोई लड़का अनकंफर्टेबल फील कराता है, नो क्वेश्चंस आस्क, दैट इज रॉन्ग. ये गलत है. इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लड़की ने उसको मौका दिया होगा या लड़की उसकी दोस्त है, बिकॉज अगर आप ये करते हैं तो आप उस सोच को बढ़ावा देते हैं जिसकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील करती हैं. सो आई थिंक दिस इज वेरी 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 रॉन्ग. इट डजंट मैटर वेदर शी वॉज अ सी, देर हैव बीन टाइम्स वेयर आई ट्वीटेड अबाउट what I don't like that Devlina has done. But in this case, I don't think so. Anybody should say. I think Tejasvi was 100% right in saying that it doesn't matter. He made her uncomfortable. He made her uncomfortable. And in fact, I liked Tejasvi for taking that stand because pura ghar uske upar chadh gaya aur pura ghar usko ye keh raha tha ki apne convenience ke hisab se. No. Even Shamita said ki apne convenience se. Ye Shamita ko bhi unhone bola tha na. That beauty wala thing. At that time, she was upset. So I think इस चीज को कन्वीनियंटली लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपने ये भी अलाउ कर दिया तो अभी गाल खींचा है, आगे पता नहीं क्या होगा. आई डोंट थिंक सो दिस नीड्स टू बी अलाउ. मैं मेरी अगर बहन, दोस्त, लवर इनसाइड अंदर हो और कोई लड़का ऐसा करे, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी लाइटली. एंड आई डोंट थिंक सो एनीबडी नीड्स टू टेक इट लाइटली. और इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है. फिर तो आप ये बात कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो वो हॉट कपड़े पहन के जा रही है तो लड़का उसको छेड़ दे. That's so wrong. Okay, one more thing, you know, अगर आप एक husband and wife के relationship को देखेंगे, as you said कि you know नोक झोंक होती है, there are problems in relationship, कोई perfect नहीं होता. ऐसे ही एक मुद्दा you know घर वालों ने भी बहुत बार उठाया when it comes to रितेश and राखी, जहाँ भी you know रितेश का behavior जो है in aggression, वो बहुत ज्यादा इंसल्टिव फील हो जाता है राखी के लिए. भले वो स्टैंड नहीं लेती, बट इन द रीसेंट एपिसोड एज वेल शमिता एंड रश्मि टुक स्टैंड फॉर हर, जिस तरह से रितेश बिहेव करते. एंड इवन अकॉर्डिंग टू द प्रोमोस, सलमान इज गोइंग टू बैश रितेश फॉर हिज बिहेवियर टुवर्ड्स राखी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देयर रिलेशनशिप? डू यू रियली फील दैट राखी शुड एक्चुअली टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड एस्पेशली? यार देखिए, मैंने अभी आपसे बात करने के एक दो घंटे पहले ट्वीट किया दैट आई एम in love with Salman Khan for saying the right things at the right time. I think उन्होंने बहुत सही किया by telling Ritesh that आप इस तरीके से राखी से बात नहीं कर सकते हो. In fact यही रश्मि ने भी कहा था, बट जब रश्मि ने कहा तो सब लोग रश्मि के ऊपर चढ़ गए, रश्मि को गलत कहने लग गए, रश्मि राखी भी रश्मि से लड़ ली. एंड आई अप्रिशिएट रश्मि फॉर डूइंग दैट, बिकॉज
आई डोंट थिंक सो किसी भी पति को या किसी भी पत्नी को इस तरीके से बात करनी चाहिए विद देयर कपल. हाउएवर ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर आप नेशनल टेलीविजन पे हैं तो आपने उसको ऑब्वियसली सबका मैटर बना दिया है. सो आई डेफिनेटली थिंक दैट इट इज रॉन्ग. अगर राखी इस पे स्टैंड नहीं लेती हैं तो आगे भी अगर रितेश पिरन से उस तरीके से बात करें, वेल देन इट्स राखीज प्रॉब्लम. बट आई डेफिनेटली थिंक दैट एवरी वुमन शुड टेक अ स्टैंड एंड टेल देयर हस्बैंड्स और वाइफ दैट दिस इज नॉट द वे यू कैन टॉक टू मी. Okay, if we talk about the friendship in Big Boss house, which is actually very rare. बहुत कम फ्रेंड्स ऐसे हो जाते हैं जो बिग बॉस के घर के बाहर भी, you know, they continue to still be friends. You know, घर के अंदर ऐसा ही रिश्ता है, which is तेजस्वी, करण एंड उमर as well, जहाँ पे उमर एंड तेजस्वी की इतनी बनती नहीं है. According to you, Shardul, क्या लगता है कि अगर उमर और तेजस्वी में से बात की जाए तो कौन एक अच्छा फ्रेंड है? I can't say. I really can't say because कौन एक अच्छा फ्रेंड है, कौन एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, कौन एक अच्छा इंसान है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप शो देख के नहीं दे सकते हैं. बिकॉज ये जो शो में दोस्तियां होती है ना, ये कितना लास्ट करती है वो शो के बाद पता चलता है. जब शो के बाहर निकलेंगे, जब कोई उनमें से बीमार होगा, कौन एक दूसरे के लिए जाता है, कौन एक दूसरे के साथ रहता है, कौन किसी के साथ बुरे और अच्छे टाइम में रहता है, तब बता सकते हो. तब भी आई थिंक तेजस्वी और उमर खुद एक दूसरे को बता पाएंगे कि कौन अच्छा दोस्त है, कौन अच्छा नहीं है. कौन अच्छा कंटेस्टेंट है वो मैं बता सकता हूँ, बट कौन अच्छा दोस्त, कौन अच्छा इंसान, ये सब मैं नहीं बता सकता. नो नो, बट डू यू फील करीना कहीं ना दोनों के बीच में सिर्फ करण है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इनका बन रहा है? बिकॉज अगर करण भी नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि करण और उमर और तेजस्वी के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप देखने को मिलती. हो सकता है, पर इतना मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जिंदगी में और भी दुख है कि तेजस्वी और उमर दोस्त हैं कि नहीं, वो उससे ज्यादा जानने की. Tejasvi a lot as a contestant and I like Umar also as a contestant and ab unki dosti ho ya na ho usse matlab mujhe genuinely koi lena dena nahi. Okay, one more statement, you know, jisko lekar bahut bawal hua tha actually ghar ke bahar bhi, you know, bahut se log bahut against gaye the us cheez ke, which was Umar ke jo aggression ko lekar unke profession se connect kiya jata tha, being a doctor as well. Even you might have seen there were a lot of tweets against you know, Salman, against the makers and a lot of people, jahan pe bahut se logon ne stand liya tha. What, according to you as a viewer, you know, aap kya kehna chahoge is situation pe, when actually you see the show and you see ke such comments are made on television regarding someone's profession? You see an edited version of Big Boss, you see ek ghante ka. हम जब अंदर रहते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पर शायद बोला गया हो, वो आपको नहीं पता, वो ऑडियंस को नहीं पता. बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो सलमान सर ने मुझे बोली थी, बहुत अच्छी अच्छी, जो नहीं बाहर आई. सो ये जो रिएक्शन लोग देते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, वो उनके फैंस हैं एंड मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि वो अपने अपने स्टार के लिए, अपने कंटेस्टेंट के लिए इतना करते हैं. बट मुझे नहीं लगता कि सलमान खान इज रॉन्ग एवर इन गिविंग एनी फीडबैक. उमर इज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट, आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली फाइनलिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी. एंड इस मुद्दे पर मेरा क्या कहना है, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, मैं नहीं रहा हूँ उनके साथ अंदर, तो मैं नहीं कह सकता हूँ. अगर कुछ हुआ होगा अंदर तो शायद उन्होंने कहा होगा. हाँ, आप मुझसे पूछिए कि आपको उमर का गेम कैसा लग रहा है, वो मैं बता सकता हूँ. पर सलमान खान ने उमर को क्या कहा उस पर मेरा क्या कहना है, जनरली डजंट मैटर. सो इट वाज अ मेजर इशू, सो आई थॉट यू कैन एक्चुअली गिव अ यू नो आपकी व्यूज हो सकते हैं. आई थिंक पीपल मेक इशू आउट ऑफ एवरीथिंग व्हेन बिग बॉस इज हैपनिंग. समटाइम्स जेन्युइन फैंस आर डूइंग इट, sometimes PR agencies are doing it. So you need to identify ki jo matlab ab sabko pata hai yaar, agar nahi pata hai to main bata deta hu ki ha, trends bhi kharide jate hain Twitter pe. Jo trend kar raha hai aapka contestant, zaruri nahi ki sirf fan following ki wajah se kar raha hai, it can be bought, people khareed, log khareedte hain usse, to kaun si badi baat. But having said that, I like Umar Riaz and I think he's a very strong contestant. Okay, who is your personal favorite one in the Big Boss house? Has to be my friends. मतलब करण को मैं हमेशा support कर रहा हूँ and तेजस्वी, मुझे मेरी दोस्त नहीं है तेजस्वी, but मुझे तेजस्वी बहुत प्यारी लगती है. And now another friend has entered, which is Rashmi. So I'm going to be supporting these three for sure.
ओके एंड यू नो किसे देखना चाहते हो विनर के तौर पर, बिकॉज ऑब्वियसली एक टिकट तो फिनाले तो मिल चुका है राखी को, सो द रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है कि इस पॉइंट पे इफ यू ऑब्जर्व एज अ गेम, सबकी गेम को देखो आप, तो क्या लगता है कौन हो सकते हैं टॉप पोजिशन पर? वेल पहले तो ये जानना पड़ेगा कि शोर एक्सटेंड हो रहा है कि खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर शोर एक्सटेंड हो रहा है तो और हफ्ते बचे हैं, और हफ्तों में बहुत कुछ हो सकता है, और अगर शो एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो फिर इन्हीं लोगों में से होने वाला है. सो आई डोंट नो इफ द शो इज गेटिंग एक्सटेंडेड और नॉट, जिसे हर साल बिग बॉस एक्सटेंड होता ही है, इस बार मुझे नहीं पता. हैविंग सेड दैट, अभी जो लोग अंदर हैं उनमें आई थिंक मैं ये नहीं कह सकता कि विनर कौन होगा, आई थिंक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि एंड मोमेंट तक लोगों को लगता है ये होगा या वो होगा और चीजें चेंज हो जाती हैं, और वही मजा है गेम का. आई मीन अगर आपको पहले से पता हो तो मजा नहीं आएगा. बट आई थिंक मैं चाहूंगा कि कुंद्रा जीते, क्योंकि वो मेरा दोस्त है. मैं बट मुझे लगता है कैन बी बिटवीन कुंद्रा, उमर, शमिता, तेजस्वी एंड प्रतीक, क्योंकि ये सभी बहुत अच्छे खेल रहे हैं. सो आई थिंक प्रतीक भी उतना ही अच्छा खेल रहा है, शमिता भी उतनी अच्छी खेल रही है, उमर भी उतना अच्छा खेल रहा है. करण मेरी चॉइस होगा, लेकिन होने को तो ये और तेजस्वी भी हो सकते. प्यार करते रहिए, बहुत बहुत थैंक यू. मैं बहुत ध्यान से वक्त निकाल के ऑन अ वीकेंड ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज आई टेक दैट मच ऑफ टाइम आउट. एंड नॉर्मली मैं कह ही देता हूँ जो मुझे कहना रहता है, बट सिंस आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग विथ मी एंड फॉर ऑलवेज सेंडिंग प्रेयर्स फॉर माई मॉम. एंड आई वुड से अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो दुआएं करते रहिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपकी दुआएं उन्हें जल्दी ठीक कर दें. Okay, Shardul, all the very best and hope all good things come to you. And please give my regards to your mom. And I really hope she, you know, she really have a great health ahead. Thank you so much. And hope the coming year is great for you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you for joining us. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.